नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आ जाए तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो आप लोग लास्ट तक नहीं देखते, इसलिए आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। अभी क्या है कि 26 अगस्त को जो पूरा लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक आंकड़ा आया है, उसमें से अभी भी जो है अथॉरिटी के मेन पावर एक बार फिर जांच के घेरे में, इसमें से 30,000 से ज्यादा घरेलू कामगारों ने नया जो अपना है ट्रांसफर करने का मतलब लाभ उठाया है। उम्मीद है कि 12 सितंबर की समय सीमा से पहले 40,000 तक पहुंच सकती है भाई लोगों। ये जो 20 नंबर से 18 नंबर में हो रहा है, ये अभी तक आंकड़ा जो है 12 सितंबर तक 40,000 तक पहुंच सकता है। तो अब इसको मतलब और सुगम बनाने के लिए थोड़ा स्पीड में काम किया जाएगा, ताकि मतलब जो प्राइवेट कंपनियों में लेबर्स की कमी चल रही है, उसके चलते इनको दूर किया जाए। अब क्या है कि आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, 14 जुलाई से 12 सितंबर तक प्रभावी निर्णयों को एक वर्ष की सेवा के बाद, मतलब जो है एक वर्ष जो भी अपने स्पॉन्सर के पास में रह चुका है, उन सबका जो है ट्रांसफर हो जाएगा। जिन्होंने भी आवेदन किया है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, काम सबका हो जाएगा। बाकी क्या है, सवाल सालिम एरिया में एक चेकिंग मतलब अभियान चलाएगा, जिसमें से 45 प्रवासी गिरफ्तार किए गए शाम के टाइम में। क्या हुआ, 26 अगस्त को जो है मेजर जनरल अहमद अल मुनैफी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र के कर्मियों में निवास कानून का उल्लंघन करने और के मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको मतलब गिरफ्तार करके अधिकारियों के पास में भेज दिया गया है। तो ये और एक और है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जहरा एरिया में एक बाइक डिलीवरी ड्राइवर गया था डिलीवरी देने के लिए, तो वहां पे ड्रॉप अप के दौरान फूड डिलीवरी ड्राइवर पर हमला कर दिया गया और उससे जो भी था पैसे और खाना सब उससे छीन लिया गया। जहरा पुलिस स्टेशन गया, जहाँ पे उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, बताया गया कि उसके चोटें आई हैं और उसने अपने एक ग्राहक के खिलाफ मारपीट और चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उस आदमी ने बताया कि जब वो एक ऑर्डर लेकर जा रहा था, तब एक घर का दरवाजा खटखटा रहा था और वो बच्चा आया और बिना पैसे दिए तीन दिनार का खाना लेकर के चला गया और बाद में उससे मारपीट की, उसका पहचान पत्र और बैंक कार्ड का उसका पर्स वगैरह सब कुछ छीन कर घर के अंदर में घुस गया था, और उसको मतलब मोटरसाइकिल को भी उसकी डैमेज कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी जो है जानकारियां हैं जो आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी, और अगर पसंद आ जाए तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने। अब एक और लेटेस्ट अभी क्या है कि स्कूल के पास में संदिग्ध गतिविधियों वाले एक विद्वान आदमी को गिरफ्तार किया गया, जो स्कूल के आसपास में ऐसे ही भटक रहा था, जिससे उसको मतलब संदिग्ध अवस्था में उसको घूमते हुए पाया गया। तो उसको स्कूल का जो पार्किंग के आसपास संदिग्ध तरीके से काम करते हुए देखा गया, जबकि उसके दोस्त उसका वीडियो बना रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसे सुरक्षा कर्मियों को अपनी टॉर्च चालू कर रात के समय की घटना है, तो उसको भी किसी ने कॉल करके वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।